अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड प्लेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद जो है आज मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ दिन पहले के मेरे पास क्लिप पड़े हुए थे। ये आई थिंक ये ट्यूसडे के दिन है और लंच का टाइम है। मैंने उस दिन जो है हलवा पूरी बनाई थी, तो लंच में मैं खा रही थी, तो मैंने साथ में थोड़ा सा क्लिप जो है रिकॉर्ड कर लिया। वैसे मैं कोई प्रॉपर जो है ना रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी। मैंने सोचा चले कुछ क्लिप तो रिकॉर्ड करते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स जो हैं वेट करती हैं। और ये आई थिंक मेरी सिस्टर के सॉरी मेरी बेटी के जो है ना फ्रेंड्स आए हुए थे घर में, तो मैंने और मेरी बेटी ने मिलके हमने ब्राउनी बनाई थी उसकी फ्रेंड्स के लिए। और इस वक्त जो है घर में उसकी फ्रेंड्स बैठी हुई हैं दूसरे रूम्स में, और बेटे के फ्रेंड्स बैठे हुए हैं गेस्ट रूम में, वो उसके फ्रेंड उसके रूम में बैठे हुए हैं, और मैं किचन में हूँ। और अब्दुल बेचारा जो है वो लाउंज में अकेला खेल रहा है। कभी कभी वो बच्चों के फ्रेंड्स के पास चला जाता है, उनके साथ खेल लेता है, और कभी उसका मूड नहीं होता तो वो फिर आके अकेला खेलने लग जाता है। अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो काफ़ी दिनों से जो है ना मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया था। मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए आज जो है एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स वेट करती हैं। कल मैं बाहर गई थी तो बहुत सारी फ्रेंड्स मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम अपलोड करें प्लीज़, इसलिए फिर मैंने सोचा ये शाम के 4 बजने वाले हैं तकरीबन। अब्दुल को मैंने फ्राइज़ बना कर दी है, ये अभी अभी सोकर उठा है, और इसको जो है ना भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम मैंने सोचा इसे क्या दूँ, तो मैंने इसको थोड़ी सी जो है ना फ्राइज़ बना दी हैं। अभी ये फ्राइज़ खा रहा है और मैं पीऊँगी अभी चाय। चाय का टाइम हो रहा है, ये देखें 4 बजने वाले हैं। चाय में रख कर आई थी अपनी बनने के लिए, साथ में जो ब्राउनी बनाई है वो भी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये देखें अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये चाय बन रही है, हम अभी चाय पीऊँगी मैं अभी, और साथ में गर्मा गर्म जो है ब्राउनी खाऊँगी। और अभी मेरी बेटी के कुछ फ्रेंड्स ने आना है, उनके लिए बनाई है हमने बेसिकली, तो उसी ने बनाई है। मैं भी थोड़ी सी खाऊँगी, चेक करूँगी, खाना अभी मुझे बनाना है। आज मैंने खाना नहीं बनाया, और मैं सोच रही हूँ कि साग रखा हुआ है आज उसी को तड़का लगाऊँगी, बस कोई मूड नहीं है ज़्यादा कुछ बनाने का। थोड़ा जो है ना लेज़ी फील हो रहा है आज, बिल्कुल भी काम शाम करने का कोई मूड नहीं हो रहा, बस अभी पीती हूँ। एक्चुअली मुझे कॉफ़ी पीनी थी, 2 दिन हो गए मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो रही है, और मैंने कॉफ़ी नहीं पी तो मुझे ना अजीब सा लग रहा है, इसीलिए जो है मैं अब चाय पी रही हूँ। चाय ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी, हल्की नहीं बनाऊँगी, कॉफ़ी की कमी पूरी करूँगी, तो बस ये बन जाती है, अब पीते हैं। हाँ जी, तो अभी जो है बच्चों के फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और रूम में मैं आ गई हूँ खाना बनाने। मैं बना रही हूँ, मैं सॉरी साग को तड़का लगा रही हूँ, आज मैं कुछ खास नहीं बना रही। तो मैंने सोचा इसको मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, बहुत मज़े का लगता है मिट्टी की हांडी में साग बना हो, और इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है ना उसका, एक अलहदा टेस्ट होता है। अगर पका हो तो ऑब्वियसली अलहदा टेस्ट होता है, लेकिन चले हम पका नहीं सकते तो हम तड़का तो लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास देगची बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो मैं इसी में जो है ना साग को तड़का लगाऊंगी। तो आज रात के खाने में जो है ना मिट्टी की हांडी में साग को तड़का लग के जो है हम खाना खाएंगे। जलेबियाँ, काफ़ी दिनों से जो है ना जलेबियाँ खाने का मूड था। हस्बैंड की रेस्ट वाला दिन है ये, मैं और हस्बैंड हम लोग बाहर गए थे,
बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए थे, तो हम लोग एक्चुअली ग्रॉसरी वगैरह और सामान वगैरह ही लेने गए थे। तो मेरा जलेबियों को देख के जो है ना, मेरा इतना दिल चाहा कि हम जलेबियाँ खाते हैं, तो मैं घर में भी लेकर आई और फिर हमने खाई भी, बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो है मैं कल मैंने कबाब बनाए थे, रात को मैंने बनाए थे, फिर मैंने फ्रीज़ कर दिए। अभी जो है मैं इनको इकट्ठा करके जो है बॉक्स में डाल दूँगी। और समोसे जो हैं, अभी समोसे बनाऊँगी, समोसे भी मुझे बनाकर फ्रीज़ करने हैं बच्चों के लिए। बच्चे लंच वगैरह में ले जाते हैं, शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा बना कर रख देती हूँ, फ्रीज़ कर लेते हैं। और काफ़ी दिन से जो है ना मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी जो है मैं ये, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जो है ना, 2-3 दिनों से एक्चुअली मैं किचन सेट करने में मसरूफ़ हूँ, फ्रिज वगैरह और ये सारी चीज़ें जो करने में भी जो है ना टाइम लगता है। इस वजह से जो है मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि मैं इधर मसरूफ़ हूँ चीज़ों को सेट करने में, फ्रिज वगैरह को सेट करने में। तो अभी जो है लंच का टाइम होने वाला है, अभी वैसे मुझे खाना भी बनाना है, साथ में जो है मैं अपने कबाब जो है ये इकट्ठे करके इनको फ्रीज़ कर लूँगी, और समोसे अभी बनाऊँगी। समोसों में जो आलू के समोसे बना रही हूँ मैं, कभी कभार जो है कीमे का बना लेती हूँ, कभी आलू के बना लेती हूँ, तो फिलहाल जो आज बना रही हूँ आलू के बना रही हूँ। इधर ये जो है ना ज़्यादा ही वो हुए हुए हार्ड, नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। और बस ये करती हूँ इकट्ठे, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ, और अभी मुझे नाश्ता बनाना है अपने लिए। मैं सोचा नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातचीत करती हूँ। बहुत सारे दिन हो गए, मैंने तो कोई भी वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं की ना कुछ अपलोड किया, काफ़ी दिन गुजर गए। और आज मैं आपको राज की बात बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर रही या अपलोडिंग नहीं कर रही। उसकी वजह सिंपल सी उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि मेरा मोबाइल फिर से टूट गया है, वो ख़राब हो चुका है। मैं पेन लेकर आती हूँ। अच्छा, मेरी एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी मेरे पास कौन से नॉन स्टिक हैं, तो ये मेरे पास अब तो ये पीछे से काफ़ी ख़राब हो गया, पता नहीं आपको इसका लोगो नज़र आएगा। मेरे पास जो है ना प्रेस्टीज के हैं, सोनेक्स के भी हैं, और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रेस्टीज के ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप ये बाय करें। और ऑयल में आजकल कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, दूसरा ऑयल नहीं यूज़ कर रही मैं, कोकोनट यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ना ज़रा मोटी होती जा रही हूँ, मैं ज़्यादा ही ऑयल डाल देती हूँ मैं कभी कभी। खैर, मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही, उसकी वजह ये है कि मेरा ना मोबाइल टूट गया, और इस मोबाइल में जो है ना कलर्स अच्छे नहीं आते। और जब बंदा कैमरा ऑन करके कुकिंग करता है ना कुछ उल्टा सीधा तो ज़रूर होता है, ये तो लाजमी है। खैर, मेरा जो है मोबाइल वो ख़राब हो चुका है, उसमें बिल्कुल भी अच्छे कलर्स नहीं आते हैं। ख़ास तौर पर जब कोई रेसिपी बनाती हूँ तो वो येलो सी नज़र आती है, अजीब सी नज़र आती है, वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, ऑब्वियसली आपको भी अच्छी नहीं लगती, आप लोग भी कंप्लेन करते हैं। और मसला ये है कि हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अभी हम जा नहीं सकते, उनको छुट्टी नहीं है, और पता नहीं अभी कितने दिन तक हम जा नहीं सकते। वरना मैंने सोचा था कैमरा मैंने बाय करने का पहले भी सोचा था, फिर मैंने नहीं लिया, फिर मैंने न्यू मोबाइल ले लिया, वो भी ख़राब हो गया। अब तो कंफर्म है कि कैमरा ही लूँगी, मोबाइल नहीं लूँगी। तो अभी जो है ना फिलहाल यही बहस चल रही है कि अब हम कब फ्री होंगे ड्यूटी से, कब छुट्टी मिलेगी, और कब हम मुल्तान जाएंगे और फिर लेकर आएंगे। जब तक जो है मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा वीडियोस बनाने का। मैं हस्बैंड से रोज़ कह देती हूँ, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं ठीक है इट्स ओके ना बनाओ, मेरा क्या जाता है। बहरहाल आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये राज की बातें करती हूँ कि ये देखें जनाब क्या चल रहा है लाइफ में। हाँ, ज़ीरा नहीं डाला मैंने, ज़ीरा मैं लाजमी डालती हूँ। मैं साथ में नाश्ता बना रही हूँ, और बिल्कुल जो है ना मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। तो वीडियो पता नहीं मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ या नहीं बना रही, मुझे नहीं पता। रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता, फिर मेरा दिल नहीं चाहता वीडियो बनाने का।
मेरा दिल चाहता है छोड़ दें। आप क्या कहते हैं? अंडा मेरा बन गया है और मुझे अब दो ब्रेड के स्लाइस जो हैं उनको फ्राई करना है अपने लिए। बस नाश्ता बना रही हूँ, सिंपल सा, बोरिंग सा। दोस्तों क्या हाल है? और ये देखें, इस बच्चे को सारा दिन ये जो है ना अलमारियों में से बॉक्सेस निकाल के तो उसके साथ खेलता रहता है, अलमारियाँ डिस्टर्ब कर दी हैं इस बच्चे ने हमारी। खैर, हम आज बना रहे हैं पालक की सब्ज़ी। आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर। पालक पनीर मेरा मोस्ट फेवरेट है। मैं जब भी मॉल ऑफ मुल्तान जाती हूँ मैं ज़रूर वहाँ से जो है ना वेज थाली खाती हूँ और पालक पनीर के लिए खाती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पालक मैंने निकाली है, वो मैं बनाऊँगी। जनाब अब्दुल पीछे हो जाए आप, एप्पल खाना है। ओके, मैं अब्दुल को एप्पल काट के दूँगी और उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। जी जान, जी जान। अभी ठीक है, आपका अभी वॉश करते हैं एप्पल और फिर आपको मैं काट कर देती हूँ। वैसे नॉर्मली मैं वॉश करके रखती हूँ फ्रिज में, लेकिन फिर भी जो है ना मैं इसको देने से पहले एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, ये ज़रूरी होता है। तो जल्दी जल्दी आज जो है मुझे खाना बनाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि आज साथ में मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना आज कपड़े जो है ना सर्दियों के विंटर के जो ज़्यादा जर्सियाँ वगैरह थी ना उनको अरेंज कर रही हूँ, वापस रख रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और साथ में जो है ये एक मिनट, सॉरी ये गिर रहा है एप्पल, मैंने काट दिया। अब्दुल को हाफ एप्पल ही खाता है नॉर्मली, वो इससे ज़्यादा नहीं खाता। तो अभी मैं आपको खाती हूँ, ये मज़े से बैठा इधर खेल रहा है। जब तक ये खेलेगा मैं अपनी सब्ज़ी बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। और अभी जो है मुझे इसको नहलाना है, थोड़ी देर ठहर के मैं नहलाऊंगी। एप्पल ये खा रहा है, मैं यहाँ पर नीचे बैठ जाऊंगी इसके पास और साथ में जो है ना गपशप करते रहेंगे हम दोनों, माँ बेटा बातें करेंगे और मैं साथ में सब्ज़ी बनाऊंगी और पकाऊंगी। मैं अभी नहीं इसको, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी ना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ पालक पनीर की। आई थिंक इससे पहले मैंने कभी शेयर नहीं की। तो अभी जो है मैं ये एप्पल खाऊंगी। इस वक्त जो है 11 बज चुके हैं, सब्ज़ी बना के रखूंगी और फिर अब्दुल को जो है मैंने इसको स्टडी करवानी है 1 घंटे के लिए, उसके बाद बनाऊंगी। फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ, बट इसका रिज़ल्ट जो इतना अच्छा नहीं आ रहा मोबाइल का, तो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अभी तो पहले सब्ज़ी बनाए ना, चले जल्दी जल्दी बनाते हैं। दोस्तों फटाफट मैंने जो है ना पालक अपनी काट ली है, तो क्योंकि थोड़ी थी तो जल्दी कट गई है। बस अब हम चलते हैं, इसको बॉईल होने के लिए रखते हैं। और ये जनाब एज यूजुअल खेली जा रहे हैं इधर बैठे। मैं अब चलती हूँ और इसको मैं रखती हूँ बॉईल होने के लिए। ये देखें फिर से ये खुली है, मैं अभी बंद करके गई थी। ये तो बहन चलता ही रहता है, क्या करें। और साथ में जो है ना मुझे अपना फ्रिज चेक करना है। मैं सोच रही हूँ इसको खाली करती हूँ, क्या क्या पड़ा हुआ है। बस थोड़ा सा सामान रह गया है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये ख़त्म हो जाए तो इसको खाली करके तो फिर कुछ आइटम्स फ्रीज करने हैं रमज़ान के लिए। और अभी तो नहीं, खैर अभी तो मैं कुछ देर बाद ग्रॉसरी करूँगी और उसके बाद जो है ना वो करूँगी। तो अभी मेरी कोशिश है कि मैं इसको फ्रीज़र को जो है ना खाली करूँ। मैं यहाँ पर पका रही हूँ मिक्स वेजिटेबल और ये क्लिप इसलिए बना रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं। भाई कोई नहीं खाते, हम लोग चिकन वीकेंड्स में खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ियाँ भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए सब्ज़ियाँ, बहुत सारी सब्ज़ियाँ मिक्स करके पक रही हैं यहाँ पर। तो मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी मिक्स वेजिटेबल और काफ़ी दिन हो गए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं कब करना है। खैर यहाँ पर तो अभी खाना बन रहा है, लंच बन रहा है, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से और उनके लिए जो है खाना बन रहा है। मिक्स वेजेस बना रही हूँ, खैर उनके तो मुंह बन ही जाएंगे सब्जियाँ देख के, लेकिन उनके लिए जो है ना मैं कुछ और बनाऊँगी सब्ज़ी। मैं और हस्बैंड जिंदाबाद सब्ज़ी खाएँगे हम लोग।
मैं ना यहाँ पर अभी करने वाली थी फेशियल। दिन बहुत अच्छा निकला हुआ है, धूप निकली हुई है और बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, तो आज दिल चाह रहा था कि कोई फेशियल वगैरह करें। सर्दियों में तो इतना ठंडा लगता था ना, हाथ लगाने को मुंह को दिल नहीं चाहता था। तो ये रोज़ वाटर यूज़ करूँगी पहले, ये क्लिंजर है और ये मसाज क्रीम है, इसके बाद ये, और इन सब को यूज़ करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ब्रश, क्योंकि प्रेशर पॉइंट्स का नहीं पता होता, हाथ में कम इस्तेमाल करती हूँ। अब बाकी जो अलग, शुक्र है मुझे एक्नीज वगैरह का कभी इशू नहीं हुआ, लेकिन मुझे चूँकि फेशियल प्रॉपर करना नहीं आता तो मैं इसलिए ये ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। बाकी इसके ये जो है आगे से ब्रश, ये चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये बहुत अच्छा है, इसे मसाज करें तो बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है। तो खैर ये डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पर, तो एंड में जो है वो मास्क लगा लेंगे। तो बस चलें शुरू करते हैं, अभी ये करेंगे। इसको करने में मुझे 1 घंटा लगेगा। अब्दुल हादी सो रहा है, नॉर्मली ऐसे काम तभी करती हूँ जब वो सो रहा होता है, क्योंकि उसने भी फिर मेरे साथ वही करना होता है जो मैं करती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ जल्दी जल्दी फेशियल करती हूँ, और मुझे कोई आई थिंक 3 या 4 साल हो चुके हैं मैं कभी पार्लर नहीं गई, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पार्लर जाऊँ। पहले मैं जाती थी, लेकिन अब अब्दुल की वजह से जो है ना मैं नहीं जाती, क्योंकि या तो मुझे उसको साथ लेके जाना पड़ेगा और वो पार्लर में बैठता नहीं है, तो इस वजह से जो है ना मैं नहीं जाती। तो अभी मैं ये स्टार्ट करती हूँ, ये निकाल लेती हूँ जो मुझे चाहिए। नॉर्मली मैं ये दो जो है ना यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बाकी जो है वो मैं इतने यूज़ नहीं करती, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस चलें स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं अपना। और अभी जो है मैंने अपना फेशियल स्टार्ट कर दिया है, और वीक में एक दफ़ा जो है मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं ये कर लूँ। कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करें, बस मैं यही करती हूँ, इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता कुछ और करने का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक दफ़ा कुछ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालूँ, और मेक श्योर करें कि अगर आप इस तरह का मसाज ब्रश घर में यूज़ कर रहे हैं तो इसके जो ब्रशेस हैं उनको अच्छे से क्लीन करें और ड्राई करें और फिर उनको रखें, क्योंकि हमने जब इसको दोबारा से यूज़ करना है तो इसमें फिर जर्म्स ना पैदा हों। इसलिए वॉश करने के बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए जो है ना ड्राई करती हूँ, इसको खुला रखती हूँ हवा में या धूप में, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद जो है मैं इनको पैक करके रखती हूँ। तो खैर आज का वीडियो यहीं तक का था, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू हैं। अल्लाह हाफिज़।